नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में। और आज हम UM3561 IC का उपयोग करके 3 सायरन साउंड जनरेट करेंगे और साथ ही मशीन गन का साउंड भी जनरेट करेंगे। दोस्तों, ये जो UM3561 IC है, ये 3 सायरन साउंड जनरेट करती है और मशीन गन का साउंड भी जनरेट करती है। इस IC में हमें सिर्फ एक्सटर्नली 2 रेजिस्टेंस और 1 ट्रांजिस्टर जोड़ना पड़ता है और सारी सर्किटरी इसके अंदर ही मौजूद है और हम इस IC का प्रयोग करके बड़े ही आसानी से सायरन के साउंड जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस IC का सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। दोस्तों, बोर्ड में आप इस IC का सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। हमें पिन नंबर 7 और 8 के बीच एक 330 किलो ओम का रेजिस्टेंस जोड़ना है। पिन नंबर 5 जो कि VDD है, वहाँ पर हमें 3 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट करनी है और आउटपुट जो कि पिन नंबर 3 है, वहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस ऐड करना है। यदि हम रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 किलो ओम चूज़ करेंगे तो आवाज़ तेज आएगी और यदि 10K यूज़ करेंगे तो आवाज़ धीमी आएगी। आप इनके बीच की भी कोई वैल्यू चूज़ कर सकते हैं, जितनी भी आवाज़ आपको चाहिए हो। तो आउटपुट ट्रांजिस्टर है हमारा यहाँ पर TIP-122। इस ट्रांजिस्टर की जगह आप कोई दूसरा NPN मीडियम पावर ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। और इस IC में कौन सा साउंड जनरेट होगा उसके लिए यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं। तो सिलेक्ट वन और सिलेक्ट टू, ये 2 पिन हैं। इन पिनों पर हम जो भी कनेक्शंस करेंगे उसके हिसाब से 4 साउंड जनरेट होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं हम पुलिस सायरन से। तो पुलिस का सायरन जनरेट करने के लिए हमें पिन नंबर 1 और पिन नंबर 6 पर कोई भी कनेक्शन नहीं करना है। टेबल में आप देख सकते हैं NC लिखा हुआ है। NC का मतलब होता है नो कनेक्शन। तो हम पिन नंबर 1 और 6 पर कोई भी कनेक्शन नहीं करेंगे तो पुलिस सायरन की आवाज़ आएगी। तो दोस्तों, चलिए अब पुलिस सायरन की आवाज़ सुनते हैं। तो दोस्तों, ये थी पुलिस सायरन की आवाज़। अब हमें फायर अलार्म होता है या फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो सायरन होते हैं, फायर इंजन सायरन, अब वो हम उसका साउंड सुनते हैं। तो उसके लिए हमें जो सिलेक्ट वन जो पिन है उसे VDD से कनेक्ट करना है। तो पहले मैं डायग्राम में कनेक्ट करता हूँ, फिर उसके बाद सर्किट में कनेक्ट करूँगा। तो ये जो सिलेक्ट पिन है इसे मुझे VDD में कनेक्ट करना है। तो ये है VDD और इससे मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब यही चीज़ मैं सर्किट में करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो पिन नंबर 6 है उसे मैं VDD से कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो हमें फायर इंजन का साउंड सुनाई देगा। तो दोस्तों, ये था फायर इंजन का साउंड। और अब मैं सिलेक्ट 1 जो पिन है उसे यदि मैं VSS से कनेक्ट कर दूं तो हमें एम्बुलेंस का साउंड सुनाई देगा। तो अब हमें ये जो सिलेक्ट पिन है इसे VSS से कनेक्ट कर देना है। VSS यानी ग्राउंड। तो सिलेक्ट 1 पिन को VSS यानी ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे तो हमें एम्बुलेंस का साउंड सुनाई देगा।
अब हमें एम्बुलेंस का साउंड सुनाई देगा। दोस्तों अब सुन लेते हैं मशीन गन का साउंड। तो मशीन गन का साउंड बनाने के लिए हमें सेलेक्ट वन जो पिन है उसे खाली छोड़ देना है और जो सेलेक्ट टू पिन है इसे हमें VDD से कनेक्ट कर देना है। तो इस पिन को हमें VDD से हम कनेक्ट कर देंगे और हमें मशीन गन का साउंड सुनाई देगा। तो ये जो पिन है मैं इसे 2 VDD, इस पिन को VDD से कनेक्ट करना है और हमें मशीन गन का साउंड सुनाई दे देगा। तो ये है पिन नंबर 1 और इसे मैंने कनेक्ट कर दिया है VDD से। तो अब हमें जो साउंड सुनाई देगा वो मशीन गन का होगा। तो दोस्तों ये थी UM3561 3 साइरन साउंड जनरेटर IC। ये 4 साउंड जनरेट करती है, 3 साइरन के साउंड है और 4th साउंड है मशीन गन का साउंड। तो आप आसानी से कोई भी साइरन का साउंड इस IC की सहायता से बना सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ज़रूर प्राप्त करें। और अगली वीडियो यदि आप कोई चाहते हों तो हमें कमेंट में ज़रूर टाइप करके बता दें, तो हम उस बारे में भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।